हेलो स्टूडेंट्स, साईं कॉलेज भिलाई के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 के लिए पहला क्वेश्चन पेपर आज अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि जो फ्रंट पेज है उसको कैसे भरना है। आज BCA का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड किया गया है, जिसमें BCA फाइनल ईयर का आप एक क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर पेपर नंबर 1 जो है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड किया गया है और विश्वविद्यालय के द्वारा उनके एग्ज़ाम सेंटर से ये आंसर बुक्स एक सैंपल कॉपी है, इससे दिया गया है बच्चों को लिखने के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि फ्रंट पेज कैसे भरना है, प्लस सप्लीमेंट्रीज हमको कैसे यहाँ लिखनी होंगी। ये सारी क्वेरीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर पोर्टल पे डाला गया है उसमें एक बार कोड है और साथ ही साथ पेपर का एक कोड दिया हुआ है। ये जो कोड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोड होता है और आपको यहाँ पर पेपर का नंबर, कौन से नंबर का पेपर है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में देखेंगे कि हमको इसमें भरना कैसे है। क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है उसे हम किस तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारी जो हो रही है ये मुख्य परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और सत्र जो है वो 2021-22 20 लिखा हुआ है, इसके आगे 21-22 लिख देना है। साथ ही साथ परीक्षा का नाम यहाँ पर आपको अपने जिस परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए ये अगर क्वेश्चन पेपर कोई सॉल्व कर रहा है तो BCA थर्ड ईयर परीक्षा का नाम होगा उसका, BCA थर्ड ईयर एग्जामिनेशन परीक्षा का नाम क्वेश्चन पेपर पे दिया होता है, तो ये जो नाम है ये परीक्षा के नाम पर यहाँ पर आएगा। इसके बाद विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है जिसे वो दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें यहाँ पर रोल नंबर दिया होगा, सारे डिजिट्स को एक एक बॉक्स में आपको लिखना है। इसके बाद डिजिट्स को आप शब्दों में भी यहाँ पर लिख देंगे। अगला आता है नामांकन नंबर। जो रेगुलर छात्र हैं उनको विश्वविद्यालय एक नामांकन नंबर भी जारी करता है, प्राइवेट स्टूडेंट्स को नामांकन नंबर जारी नहीं किया जाता है, इसलिए प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो इस बॉक्स को खाली रखेंगे या डैश कर देंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स के पास उनका नामांकन नंबर होगा जो एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, उसे वो यहाँ पर एक एक बॉक्स में लिखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे विषय का नाम, प्रश्न पत्र का नाम, परीक्षा का दिन और दिनांक, यहाँ पर इन डिटेल्स को कैसे भरना है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन पेपर पे आएँ तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में विषय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिकल एनालिसिस। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें ग्रुप पेपर्स होते हैं, ग्रुप पेपर्स जैसे फाउंडेशन कोर्स होता है उसके अंदर हिंदी इंग्लिश ऐसे पेपर्स होते हैं, तो ऐसे जितने भी पेपर्स हैं जिनमें ग्रुपिंग में पेपर्स होते हैं तो विषय के नाम में वो फाउंडेशन कोर्स लिखेंगे और प्रश्न पत्र जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा होता है पेपर 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेपर 1 और साथ ही साथ आप यहाँ पर थोड़ी सहूलियत के लिए पेपर 1 के बगल में आप ब्रैकेट में ये कोड भी मेंशन कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर मेंशन करने के साथ साथ आप ऊपर में यहाँ पर भी आप एक कोड मेंशन कर सकते हैं, FD-2871 इस तरीके का क्वेश्चन पेपर का कोड होगा। अगला आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पत्र का नाम। अगर आपका ग्रुप पेपर है तो यहाँ पर ग्रुप का नाम आप लिख देंगे, जैसे फाउंडेशन कोर्स, और यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश का पेपर हो रहा है तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुपिंग में पेपर नहीं होते, जैसे ये जो पेपर है ये ग्रुप में नहीं होता है, तो यहाँ पर आप स्टैटिकल एनालिसिस दोनों में लिखेंगे, विषय में भी स्टैटिकल एनालिसिस लिखेंगे और प्रश्न पत्र के नाम में भी स्टैटिकल एनालिसिस लिखेंगे। प्रश्न पत्र में लिखा जाएगा इसमें 1, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न पत्र दिया हुआ है, प्रश्न पत्र में आप पेपर 1 लिख करके साथ में कोड भी ब्रैकेट में लिख देंगे, इससे और सहूलियत होगी प्रश्न पत्र को ढूंढने में। इसके बाद एग्ज़ाम का दिन, जैसे आज 5 अप्रैल है तो आज का जो भी दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, जो भी होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर आप जिस डेट पे पेपर अपलोड हो रहा है या जिस डेट पे पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि
उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या यहाँ पर लिखनी है। अब ये बहुत बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है कि जो सप्लीमेंट्री का की कॉपीज़ है वो स्टूडेंट्स को खुद से ऐसे यहाँ पर अटैच करनी है। तो अब मान लीजिए कई स्टूडेंट्स ने ऐसी 5 सप्लीमेंट्रीज कॉपी, उन्होंने 5 पेज को अटैच किया इसके पीछे में, तो सप्लीमेंट्रीज की कॉपी यहाँ का नंबर कैसे लिखना है ये देखेंगे। सबसे पहले मान के चलिए अगर आपने एक पेज ऐसा अटैच किया है, आप इसके दोनों साइड लिखेंगे, आप यहाँ पर भी आंसर लिखेंगे और यहाँ पर भी आंसर लिखेंगे, लेकिन केवल इस पेज को एक सप्लीमेंट्री शीट माना जाएगा। इसमें आप ऐसा एक नंबर दीजिए, दूसरे पेज में 2 लिखिए, तीसरे पेज में 3 लिखिए और सबको सीक्वेंस में आपको लगाना है। अगर आप इसमें मान के चलिए कोई किसी स्टूडेंट ने ऐसा 6 पेज लगाया है और उसके आगे पीछे 10 पेज उसने लिखा है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री की संख्या होगी 5 और सारे सप्लीमेंट्रीज में आप यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखेंगे जिसको जिससे आप उसको सीक्वेंस में लगा सकें। साथ ही साथ हर पेज में आप अपना रोल नंबर और अपना सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दें, ताकि उस अपना कोर्स रोल नंबर और सब्जेक्ट का नाम यहाँ मेंशन कर दें, ताकि पेज को भी आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके पीछे अच्छी तरीके से बांधना है या स्टेपल लगाना है, ताकि वो इधर उधर रिलीज़ ना हो। तो जो काफ़ी बड़ा डाउट था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सप्लीमेंट्रीज का नंबर कैसे भरना है, प्लस एनरोलमेंट नंबर जो है वो रेगुलर वालों को ही भरना है और प्राइवेट वालों के लिए रेगुलर एनरोलमेंट नंबर नहीं अलॉट होता है। साथ ही साथ आप ये विषय, मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ग्रुपिंग में अगर पेपर हो रहे हैं, अगर आपके पेपर ग्रुप्स में होते हैं, तो आप यहाँ पर ग्रुप का नाम, यहाँ पर प्रश्न पत्र का संख्या प्लस आपका ये जो कोड है, प्रश्न पत्र का कोड है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ प्रश्न पत्र का नाम, अगर ग्रुप और प्रश्न पत्र का नाम लिखेंगे, अगर आपका पेपर ग्रुप में नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर प्रश्न पत्र का नाम और विषय का नाम दोनों में सेम लिखेंगे। जैसे ये ग्रुप पेपर नहीं है तो यहाँ पर स्टैटिकल एनालिसिस और यहाँ पर भी स्टैटिकल एनालिसिस ही लिखना है। इस तरीके से आप अपना फ्रंट पेज भर करके दिए गए समय पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर अनिवार्य रूप से जमा करें। धन्यवाद।